Hey guys, welcome back to our vlog channel, Mr. and Mrs. Prashun. अगर ऐसे चून करके उड़ोगी ना, चून करके तो वो अंदर न चले जाएगा. तो गाइज अभी क्या डिस्कशन चल रहा है, ये हमारी प्यारी सी आंटी जी निशा को टिप्स दे रही है कि पार्टी में किस तरह से कपड़ा पहनना चाहिए. मस्त बगल में हमारी खुशी बुआ है, हमारी बेटिया की बुआ, ये अभी मुंह नहीं दिखा रही है. और ये देखिए हमारा घर डाकू से भरा पड़ा है. डाकू गब्बर सी, इनका हस्बैंड है गब्बर सी, सही में वो गब्बर है भाई. गब्बर सिंह की बीवी को देखिए, ये क्या है जी, ये जी मुंह दिखाइए गाइस, इतना सुंदर भगवान मुंह दिए फिर भी ये क्या की हुई है आंटी जी. आंटी जी कुछ हमारे लिए भी टिप्स दीजिए. मेरी मम्मी को नजर कहने लगे, हाँ कह रहे मेरी मम्मी को नजर काहे लगा रहे. नहीं बुगी की मम्मी आप लोग अमूमन देखते हैं, कह रहे एक घंटे तक मम्मी को मम्मी को आप नजर लगा. भाई मम्मी के बाद लड़का आ गया, देखो भाई साहब तो गाइस बहुत सारा डिस्कशन है. डिस्कशन किस लिए चल रही है आंटी जी बताइए. अभी कितनी अच्छी लग रही है ये. अभी कुछ देर पहले डाकू राम कली बनी थी. तो गाइस अभी हम लोग प्लान कर रहे थे कि न्यू ईयर एक साथ सबको सेलिब्रेट करेंगे हम लोग. बहुत ही खास है गोल्डन कलर का भाई साहब. जब से पार्टी में ये क्या डिस्कशन चल रहा है आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन आप लोग बने रहो ब्लॉग में. तो गाइस अभी आ चुके अपने छत पे और अभी 3 बज रहे. स्कूल से आया, थोड़ी मीठी धूप है. ओ भाई साहब ये मेरे भाई साहब पतंग उड़ा रहे हैं. निशा और ये मिलके दोनों पतंग उड़ा रहे हैं. ओ भाई साहब अभी लग रहा था पतंग से मुझे, बट मुझे भी थोड़ा फीवर है. मेरा बाल में पूरा ऑयल ऑयल लगाया हूँ इसलिए अजीब सा लग रहा चेहरा, क्योंकि थोड़ा है. मैं भी सोचा यार थोड़ा धूप सेक लूँ. स्कूल गया था पढ़ाने, इसी फीवर में गई, हालत पूरी खराब हो गई थी. काईपोचे, काईपोचे मतलब क्या था, कटी पतंग कटी गई, कट गई शायद, ऐसे पता नहीं, पता नहीं ऐसे क्या कुछ. बोलते हैं कटी वो पा काटे वो तो काट दिए. और पता बंगाल में क्या बोलते हैं, क्या पतंग उड़ाने को क्या बोलते हैं, घुड़ी 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 बोलते हैं, घुड़ी उड़ाची. अरे तू वहाँ पे बोक कटा बोक कटा बोक कटा. एक तो और भी बोलते हैं बोका डैस, मैं बोलूंगा नहीं, फेवरेट गाली है वहाँ का, कोई भी बोल देता है यार. और क्या बोलते हैं, और क्या पता है गाइस, अभी हम लोग ना 2 दिन की छुट्टी मिली है. बोलते आलो. अभी ना 2 दिन की छुट्टी मिली है हमें. हम लोग सोच रहे थे कि इसी बीच में जो अम्बाला जाना है पार्टी में, उसके लिए हम लोग कर ले शॉपिंग, क्योंकि मंडे को क्रिसमस डे है तो स्कूल बंद रहेगा. और ये देखिए भाई साहब हमारा पतंग कहाँ जा रहा है, दिखा रहा हूँ आपको, उधर कैमरे से दिखाता हूँ मैं. ओ भाई साहब इधर देखिए पतंग, देखिए कहाँ है. वाह वाह जियो जियो भाई साहब जियो, क्या बात, पतंग ऊपर चल. और ये देखिए पतंग से बात करने वाली अनोखा अजूबा औरत जो पतंग से बात कर रही है, दिखाई दे रहा है कैमरा में. वाह हाँ जी हाँ जी दिखाई दे रहा है. और जूम करके दिखाऊं क्या, ये देखिए गाइस वो पतंग एक और है, दिखाई दे रहा है वो वाली, नहीं वो बहुत ऊंची है. कट गई क्या, नहीं भाई साहब हमको लगा कोई आसपास है नहीं, ऐसी कट जाएगी पतंग. अरे पर हल्का हो गया था तो ये पतंग उड़ा रही, दिल मेरा धक से हो गया कि कट गया क्या, कोई आया तो नहीं. तो अभी हम लोग को 2 दिन का छुट्टी, इसी बीच में शॉपिंग भी कर लेना है ठीक है, और फिर मौका नहीं मिलेगा. और अभी देखते हैं हम करता चू कैसे, तो गाना है चू चू चा चू. तभी रील्स बनाए हम लोग मस्त, हमारी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाके उसे पंकज निशा प्रश्न में बता दिया आप लोग. अच्छा ठीक है, तभी चलते हैं हम लोग नीचे, चले जाए. और ये मेरा फेवरेट की रिंग, मैं इसे कोलकाता से लेके आई हूँ, बहुत कोई का फेवरेट है. ये निशा के पापा हैं और ये मम्मी है, ये बात कौन बोलता है, मम्मी जी बोलते हैं. लेकिन तितली को ये बहुत ज्यादा पसंद है, ये वाली की रिंग सबको पसंद है, जिसको भी बहुत प्यारा है. चलिए चला जाए नीचे. तो गाइस हमारे बुकी भाई भी अब मिल चुके हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपको एक शायरी सुनाना चाहते हैं. हम भी बहुत खुश हैं इनका शायरी सुनकर. जाइए क्या कह रहा है, क्या बोलिए आप, बताओ ना कि पिछवाड़े मनाई है तब चला दिवाली में फोड़ने आलू का. ओ तेरी का, ये कैसा शायरी है भाई, सबसे ज्यादा तो भाभी बताऊंगी. बंद कीजिए कर, बहुत शैतान है ये, इधर ये सब गंदा बात नहीं बोलना चाहिए, बहुत शैतान, एक से शैतान है ये. देखो गाइस जब गाड़ी
गाड़ी नहीं गाड़ी कार कार ठीक है साड़ी बोलो तो साड़ी बोलो अरे हो गया अच्छा से बोलिए दूसरा अच्छा साड़ी भाभी ना बता बंकर जी मैं बंकर नहीं था इनके ना पिछवाड़ा में ना ये दम और चला फूरना ओनली दम अलू बंकर जी तो कहते नहीं फोड़ता हूँ नहीं है तो हम भाभी फोड़ दी हाँ फोड़ता है ना सारा हम देते हैं आलू बम तो गाइस अभी हम लोग ऊपर से आ गए नीचे और यहाँ पर देखिए हम हंसी मजाक में सब कौन के से कौन का कर लेके चले कोई हो आ को देख खड़ा ले आ हमरे पर तो ना हम ना का हमरा ना चाहिए तो पापा करैला का चोखा खाए वही बता रहे तो गाइस अभी तबीयत थोड़ी सी खराब है मेरी और पापा गए थे निशा के घर पे तो वहाँ पे करेला का चोखा बना था तो आप फिर से बोलो क्या कह रही थी सब चीज हमें ठीक लगा नहीं ना मतलब निशा क्या निशा की मम्मी क्या अच्छा बनाई थी निशा की मम्मी खीर बना ले रही खाने आप तो कभी हाथ को उठा खीर नहीं की खाई ले हाँ जी मेरे को नहीं अब कौन खेल बनी वही हम तो बोल रहा खाली अब हाँ तेरे जाए सारा काम निशा से कराए फोन लेने आ गई है तो गाइस यहाँ भी वॉइस ओवर देना इसलिए पड़ रहा है कि हम बाला जाने की बात सुनकर पापा थोड़े गुस्से में हो गए हैं और अभी समझ में नहीं आ रहा है हमने बोला कि हमें अम्बाला जाना है तो क्या कोई तो गाइज अभी हुआ यू कि पापा थे तो हम लोग बोले कि हम लोग जा रहे हैं अम्बाला कि टिकट ले लिए हैं तो फिर पापा थोड़ा गुस्सा हो गए तो गुस्सा होना बनता भी क्योंकि तितली का फिर से दांत निकल रहा है तो थोड़ा सा लूज मोशन हो रहा है और बोल रहे कि यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे ठंड है तुम लोग ठंड में उसे बार बार लेकर ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा बहुत बट वहाँ एक अपनापन है प्यार हमें कोई दिक्कत नहीं होती ये अब पेरेंट्स हैं वो बोलेंगे ही सोचेंगे तो फिर बोलने लगे कि तुम लोग को जो अच्छा लगे करो लेकिन अभी उनको कैसे बताएं कि वहाँ जाना भी ज़रूरी है के लोगों से वहाँ एक ऐसा लगाव है प्यार है कि आप समझ सकते हैं तो कई बार ऐसा मैं आप लोग को भी बता दूँ गाइस कि एक अच्छी फैमिली से आता हूँ ऐसा नहीं कि हाँ यूट्यूब मैं अपने पैसे के लिए या अर्न करने के लिए बनाता हूँ हाँ चलो जो है बट कभी इन सब चीज़ों पे मैंने ध्यान नहीं देता और अच्छा लगता है अच्छी मेमोरी कलेक्ट करना लोगों से मिलना अपनी मतलब डेली लाइफ शेयर करना आदत सी हो गई है 2 साल से तो अच्छा लगता है तो इसीलिए हम लोग भी ब्लॉग बनाते हैं कहीं ना कहीं अच्छा लगता है हमें भी तो थोड़ा सा समझ सकते पापा गुस्सा हो गए थे बट चलो कोई नहीं मना नहीं किए बट बोले कि अभी बच्चा है तुम्हें सोचना चाहिए और फिर मैं नहीं रहता हूँ तो स्कूल वगैरह का भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मॉनिटरिंग करता हूँ तो हम दोनों रहते तभी स्कूल वो सही अच्छे से चल पाता है अगर पापा भी चले जाते तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है मैं चला जाता तो पापा को प्रॉब्लम होती है बट अभी वहाँ जाना ज़रूरी है और चलिए विशेष अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में तो फिर बातचीत होगी बट अभी थोड़ा सा वो गुस्सा हो गए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था गुस्सा क्या को बोल रहे थे कि बार बार जाते हो यही सब चलिए एनीवे आप लोग बने रहें खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिए मिलते हैं आपसे एक अगले फ्रेश ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय लव यू ऑल।